तो कैसा लग रहा है वीडियो आज? बहुत अच्छा। कि... वीडियो है भाई, वीडियो है। तो भाई 100 की। अरे हटाओ दोनों को, ही नहीं दे रहा मैं किसी को। श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब मजे में होंगे, अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे ग्राउंड पर यूनिक बिगनर्स कप 2023-24 चल रहा था, तो आज उससे उसका सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुका है, मतलब होने वाला है भी, मतलब चालू होगा जब चालू जाएगा। तो आज जो मैच है वो है अनंतपुरा वर्सेज RCC का। दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाई कि वो सेमीफाइनल तक पहुंची, और आज देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है और कौन इस मतलब साल का टाइटल अपने हाथ में मतलब लेके जाएगा यहाँ से यूनिक बिगनर्स कप का। कोशिश रहेगी हम और भी ऐसे फ्यूचर में टूर्नामेंट्स कराएं। यार मुझे पता नहीं था कि बच्चे जो कुणाल है और प्रदीप वगैरह ने विकेट भी बना दिया है ना, मतलब मैं तो क्या रावत बाटा गया था खेलना, जैसे कि आपने बाकी ब्लॉक्स में देख लिया होगा। तो भाई वो अभी जैसे टॉस का टाइम होगा ना, मैं डायरेक्ट क्लिप वहीं से ऐड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आज के ब्लॉक की मतलब आज के मैच की मैं 90% क्लिप्स आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी टॉस के टाइम। टॉस का टाइम हो गया, दोनों टीमों के कैप्टन आ चुके हैं, RCC के अमन और अनंतपुरा के शिवराज। तो नौशाद भाई टॉस कराने वाले हैं, हमारे दूसरे अंपायर विशाल है, तो दोनों आज की जो ऑफिशियल अंपायरिंग करेंगे दोनों करेंगे। ठीक है, RCC ने टॉस जीता है और बैटिंग लिए पहले है ना, तो जल्दी से आपके पास 10 मिनट का टाइम है ना। भाइयों टॉस हो चुका है और मैच शुरू होने में 10 मिनट बाकी है और RCC की बैटिंग आ चुकी है, दोनों को बता दिया है। 50-50 ओवर का मैच रहेगा। अरे 50-50 ओवर का मैच है, 30 पे चालू हो गया तो। अरे 50-50 ओवर का मैच है, 50-50 ओवर्स का मैच है। ठीक है, पूरे वो सारी चीजें होगी वहाँ पर, अनंतपुरा की टीम उधर RCC की, और यहाँ पर देखो अनंतपुरा की टीम वो गेम खेलती हुई, पासिंग कैच जो भी है, बॉल पासिंग। तो भाइयों यार मैं तो घर पे कल ऐसे ही गया था थोड़ी देर, घर पे क्या मतलब मंदिर गया था थोड़ी देर के लिए, जब तक लौटा तो पता लगा या तो मैच ही खत्म हो गया अनंतपुरा और RCC का। बहुत जल्दी ऑल आउट हो गई थी RCC 140-150 रन पे और अनंतपुरा ने जीत लिया था। और आज जो मैच है यार, ये गिरी अकेडमी के बच्चे सारे आ चुके हैं और इनका मैच है MBCA से। ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, ये तो कुछ भगते ही चले जा रहे हो यार। हाँ अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, इधर तो चल रहा एक के बाद भागते नहीं हम लोग, क्या बहुत देर के पहले के आ चुके हैं, जब बातचीत कर रहे थे बच्चों वगैरह से तो इसीलिए शायद ये लोग सीधे सीधे जाने लग गए। तो अभी थोड़ी देर में टॉस का टाइम होने वाला है, अभी अंपायर्स के आते टॉस कराते हैं और देखते हैं आज का सेमीफाइनल कौन जीतता है। एक तो अनंतपुरा जीत चुकी है, फाइनल में आ चुकी है, और दूसरा आज जो मैच है वो है गिरी क्रिकेट अकेडमी वर्सेज MBCA अकेडमी के बीच में। तो होप गिरी अकेडमी जीते या MBCA जीते, फाइनल तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि डेज मैच का टूर्नामेंट है, विकेट परफेक्ट, देखते हैं आज क्या होने वाला है। दोस्तों टॉस का टाइम हो चुका है, हमारे नौशाद भाई आ चुके हैं और MBCA के जो डायरेक्टर हैं अभिन्यू भी अभी आ चुके हैं यहाँ पे। तो यथार्थ जो राजस्थान खेला हुआ है ना, ये MBCA के कप्तान, और अमन यहाँ पर गिरी क्रिकेट अकेडमी के कप्तान। तो नौशाद भाई टॉस कराया जाए, थोड़ा पास में रहा करो यार, शॉट बनाना पड़ता है यार उसको अलग अलग छाट के। टेल है, गिरी अकेडमी ने जीता है टॉस, फील्ड फर्स्ट। तो भाई लिया फील्डिंग पहले, हां ना चेहरे यहां पे तू बता, बैट्स में तू है ना, इधर से स्टार्ट बता रहा हूं ना, टाइम तो चलेगा। यथार्थ काफी खुश है भाई, 40 का फील्डिंग करके जीतती नहीं है यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और गिरी अकेडमी ने लिया बॉलिंग, टॉस जीता है 5-5। ठीक है भाई, अगली बार अमन तू मेरे साथ चलना टॉस के लिए, जल्दी कर लो, चल रही है भाई थोड़ी, जीतते अभी तक ये नहीं, वो तो थोड़ी खेल रहा है, नहीं है ना, अच्छा लड़का, फील्डिंग भी अच्छी है, लेकिन कैप्टनशिप कम आती है उसको, नहीं कप्तानी कम आती है उसको, और ये अगर कैप्टनशिप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है अंदर तो फिर कोई क्या मतलब है फिर। अच्छा ये भी मीडियम पे डालता है क्या, हीरे तो अब घिसाई में आ रहे हैं। भाई मैच शुरू हुआ और पहली बॉल पे छक्का मार दिया था अभी लक्ष्य ने, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है यार, अभी सेमीफाइनल मुकाबला गिरी अकेडमी वर्सेस क्या नाम है इसका MBCA, काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है यार, काफ़ी मेहनत से दोनों टीमें यहाँ पे पहुँची है।
पापा जो अगर टूर्नामेंट ही खत्म हो गया अब तो यहाँ पर अभी दूसरा ओवर नागर का हिमांशु नागर कप्तान गिरी क्रिकेट एकेडमी के और दूसरे ओवर में स्पिन लगाकर लेफ्टी बैट्समैन को लक्ष्य को कप्तान क्या कहना चाहोगे आपकी बॉलिंग पे और फील्डिंग पे इधर देख के बता इधर देख के क्या कहेगा बॉलिंग बैटिंग पे कुछ भी नहीं कुछ तो कहना पड़ेगा देख कुछ तो कहना पड़ेगा नहीं तो आज तेरी आज कप्तानी भी जीन ली जाएगी डिसीजन गलत हुआ नहीं नहीं सही है डिसीजन तो ठीक है देखते हैं रुको बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ यहाँ पर हमारे नुशाद भाई और कुणाल सिंह और यार गौरांश की बहुत शानदार बॉलिंग है ना गौरांश छोटा सा बच्चा जिसने अभी एमबीसी के दो विकेट गिरा दिए ऐसा लग रहा था एक बार को कि आज एमबीसी इनकी कुटाई ऐसी कुटाई मचाएगी कि आज इतिहास इस ग्राउंड का गवाही दे देगा चीख चीख के। अब यथार राजस्थान अंडर 14 प्लेयर जो कैप्टन भी रह चुके हैं राजस्थान टीम के अभी आ चुके हैं बैटिंग पे। देखो यार आप लोग कहते हो कि यार भाई ना क्या है इधर एकेडमी में देखो भाई ये कितने बड़े बड़े यहाँ पे बच्चे जो खेलते हैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल नेशनल स्कूल स्टेट डिस्ट्रिक्ट रीजनल क्लस्टर उलस्टर चूर अंचनी सबको सारे लोग आते हैं यहाँ पे खेलने। ऐसा कोई वो नहीं है कि यार सिर्फ हमारी अकेडमी के बच्चे खेलते हैं। ये अमन देखो कितनी दूर से आया विज्ञान नगर के एक कोने से यहाँ तक आना ओरा में आया क्या तो क्या ओरा है ओरा ओरा है ओरा कहते हैं उसको ओरा ही कहते हैं। अच्छा ओरा कितने की आती है वो 10 लाख 10 लाख की किस्तों पे ली थी कैश पता नहीं। अरे मैं भी सोच रहा हूँ निकाल लूँ एक सेकंड हैंड साइकिल बजट के हिसाब से। भाइयों अभी दोबारा मैं शुरू होने वाला है चल रहा है शुरू क्या होने वाला है विकेट के बाद दोबारा चालू यथार्थ जो कि मेरे कोटा के अंदर एक खास बल्लेबाज भी है मतलब मेरे को बहुत पसंद है इसकी बैटिंग पर्सनली बहुत पसंद है यार जो जिस कॉन्फिडेंस के हिसाब से बैटिंग करता है इस एज में वो देख के यार लगता है सच में कि हाँ खेला है लड़का बहुत अच्छा। भाई यार काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा खेल रही हैं 3 विकेट जा चुके हैं एमबीसीए मास्टर ब्लास्टर के जिसमें 2 गौरांश ने लिए काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली गौरांश ने 1 रोहन ने लिया और बाकी किसी बॉलर को भी तो कोई विकेट नहीं मिला। हरे भरे खिलाड़ी हैं एमबीसीए के सारे हट्टे कट्टे पर ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है यहाँ पर कोच अभिमन्यु सिंह अपने प्लेयर्स को कुछ बताते हुए कि कैसे आगे का स्कोर करना है क्योंकि 25 ओवर हो चुके हैं और 151 पे एमबीसीए खेल रही है वहाँ गिरी एकेडमी के कप्तान हिमांशु नागर अपनी टीम के मेंबर से कुछ बातचीत कर रहे हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं वो बाद में पता चलेगा। तो वो सर्दी देखो यार सामने तो दिख नहीं रहा वहाँ पे कितने पेड़ पौधे दिखते थे दो जंगल जंगल। विकेट देखो दूर से भी ठीक लग रहा है रन आउट छोड़ दिया भी यहाँ पे शाजिब अली ने ये पता नहीं किसकी टीम से खेल रहा है नो बॉल कही की नौशाद भाई अच्छा 2 टप्पे की देखते हैं फ्री हिट पे कौन क्या कर सकता है कौन है वो जो फ्री हिट पे कुछ कर दिखाए और दे मारे जंगल में गेंद को और खोदे इस मैदान की गहराइयों में इन खाइयों की गहराई में। ये ले छक्का रन आउट कर अरे ओए अबे मरेगा क्या अबे कैच है ये तो अबे तो पकड़ तो सही मुंह पे खाएगा क्या मुंह से टकरा के बॉल पकड़ेगा क्या तो गौरांश रे यार हो गया क्या कैच हो गया छोड़ दिया क्या कैच छोड़ दिया हाथ से कौन सा था ये हीरो अबे यार अबे वो बॉल तेज फेंकता है वो धीरे नहीं फेंकता इतना कनेक्ट करना उस पर आसान नहीं है बॉल तेज फेंकता है वो छोटी भी तेज फेंकता है वो
चलो चलो चलो, अरे चलो छपरियो चलो बोल डे। वाह यार शाजे वली, यहाँ पर अब एमबीसी थोड़ी मुसीबत में आ चुकी है। यहाँ पे शाजे वली आए और अपना नाम खराब करके और नाम बना लिया वापस से उन्होंने। अब यहाँ पे मितुल जैन जो कि बल्लेबाज है एमबीसीए के, घातक गेंदबाज, गेंदबाज भी है, हाँ बॉलर भी है भाई। चलो 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 भाई चलो, अंधेरा हो रहा है, चलो जय। अरे लेबराड हो गो, चलो जल्दी। पर नागर अपने बहुत ही अजीब सी कप्तानी के बीच में शाजिब की दूसरी बॉल गुगली मार दी भाई, पहली गुगली बॉल डाल दी शाजिब अली ने। वाह यार शाजिब अली केवल नौ बॉल पे विकेट लेता है। चल 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 शाबाश भाई, यहाँ पर गौरांश ने ले लिया है पंजाब पूरे 5 विकेट। शाबाश गौरांश, क्या बात है क्या बात है, छोटा पैकेट बना धमाका, बहुत अच्छी बॉल डालता है यार ये लेग ब्रेक, और खट लगी सी गुगली फंसा दी इनने अभी। बहुत तगड़ा भाई यार मैच बना दिया गौरांश ने। एमबीसी अभी बैकफुट पे जा चुकी है, जहाँ लग रहा था कि 500-600 रन बन सकते हैं एमबीसी के, वहाँ अभी 170-180 पे भी एमबीसी स्ट्रगल कर रही है। अरे ट्रॉफी बचाओ, हर ओवर में एक छक्का खाते हुए शाजिब भाई। बहुत ही सर्दी हो रखी है और अभी मैच सर्दी में ही चालू हो रखा है, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे हाथ ठंडे पड़े हैं लड़कों के, हाथ ठंडे पड़े हैं, पैर वगैरह में लग चुकी है कईयों के, ठंड के मारे हाथ नहीं डाल रहे, कांप रहे हैं, इसको तो बॉलिंग नहीं दे रहा कोई। यहाँ पर ये फिर से नो बॉल यार, गिरी एकेडमी वाले बच्चों ने आज क्या कर दिया ये, आज नो पे नो, नो पे नो, नो पे नो, नो पे नो, फेंके जा रहे हैं फेंके जा रहे हैं फेंके जा रहे हैं। फ्री हिट पे देखते हैं क्या होता है, चलो सट्टा लगाया जाए। और इस सट्टे पे 1 रुपए की टॉफी और ये डॉट बॉल, डॉट बॉल। देर से नैतिक खेल रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे नैतिक और मानस, आज तो दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया और अकेले ही टीम में बवाल कर दिया। हाँ पीयूष, लास्ट विकेट बाकी है एमबीसीए का, 225 रन बना चुकी है एमबीसीए 42 ओवर के अंदर, 225 मेरा भाई 225। ये चौका मारते हुए यहाँ पर ये खिलाड़ी और ये रुक गए, काफी अच्छा खेल रही है एमबीसीए यार, काफी अच्छा स्कोर बना लिया है। देखते हैं गिरी एकेडमी में कौन क्या करता है आज और किसके सर सस्ता है फाइनल का ताज। 1 विकेट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, पर ये 10वां विकेट भी जा चुका है, गिरी क्रिकेट एकेडमी ने ले लिए हैं 10 विकेट, 225 रन करीब स्कोर हुआ है इनका, एक आध ऊपर नीचे मान लो और क्या होगा ज्यादा, मेरी मर्जी यार ग्राउंड मेरा कुछ भी बोलूँ मैं तो। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। एक इनिंग कंप्लीट हो चुकी है अमन की कप्तानी में, अमन ने चौका छोड़ा हाथ के नीचे से। यहाँ पर गिरी एकेडमी की टीम वापस आती हुई, आधा घंटा मत दो नौशाद भैया, 15 मिनट दो यार। हाँ तो खाना खा लो, 15 मिनट तो बहुत हो जाते हैं भाई। ये गौरांश जिसने आज कल लिया 5 विकेट, गौरांश कैसा लग रहा है, पहले बन जाएंगे तो कैसा लग रहा है बेटे आज? बहुत अच्छा। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कितने महीनों से? मैं इस एकेडमी में तो अभी 7 महीने से। और वैसे? वैसे मैं 2-3 साल से खेल रहा हूं। अच्छा 2-3 साल से और ये पहला बन जाए, वेरी गुड गौरांश शना, कीप इट अप और अच्छा करना अभी के भी फ्यूचर में, ठीक है। अभी तेरे को ये वाली मैच, ये मैच बोले ये, हाँ ये लास्ट में देंगे, लाओ लिख के दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी तीसरी क्या दूसरी इनिंग हो चुकी है, 13 शतक वीर हिमांशु गिरी एकेडमी की तरफ से ओपनिंग जाते हुए, और एमबीसी की टीम भी फील्डिंग पर आ चुकी है। पर गिरी एकेडमी का 1 विकेट जा चुका है हिमांशु नागर के रूप में, काफी अच्छी फील्डिंग कर रही है, अभी तक छक्के की बॉल मिस करता है ये लड़का, और जो रोकने की बॉल होगी ना उसके देने की कोशिश करेगा। यहाँ पर गिरी क्रिकेट एकेडमी ने अपना 80% मैच खो दिया, और एमबीसी 80% मैच में आ चुकी है, अब चांसेस हैं एमबीसी के जीतने के। देख भाई ये क्या हो रहा है, देखो लेट लेट के छक्के मार रहे हैं यार, क्या दिक्कत है यार, विकेट पटा है या फिर खिलाड़ी ऐसा है।
सूर्य कुमार यादव की हल्की सी परछाई का असर होता हुआ, परछाई छू के निकल गई। सूर्य कुमार यादव की परछाई छू के निकल गई। बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं अर्जुन शर्मा, जो कि यूनिक क्रिकेट एकेडमी के केवल नाम नाम के सदस्य हैं। सचिन धाकर जो गिरी एकेडमी के रेगुलर प्रैक्टिस वाले बच्चे हैं। नॉट आउट। कैमरे में है अभी तो, कैमरे में आ रहा है अभी तो पूरा। बहुत शानदार बैटिंग, दोनों ही लड़के बहुत काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक खेल रहा है अपने 42 के निजी, कहाँ है 42 के निजी स्कोर पर, और एक खेल रहा है 49। हाँ देख लो, बहुत शानदार मैच चल रहा है MBCA वर्सेस गिरी क्रिकेट एकेडमी के बीच में। यहाँ पे काफ़ी परेशान MBCA की टीम और उनके कोच और उनके खिलाड़ी और उनके कप्तान और उनके एक एक जना। बहुत तेज मारा भाई, बहुत तेज था भाई, बहुत 50 प्रदीप की लगी नहीं थी। भाई बहुत तेज मार रहा, बहुत तेज मार रहा भाई, आउट हो गया आराम से भाई, लगी 50 हो गई उसकी। सचिन धाकर की 50 रन पूरे है यहाँ पे। अरे सोनी हुई 50 हुई है, सोनी हुई 50 हुई है, पहली 50 सचिन, पहली 50। अरे क्या बात है, क्या बात है, इस ग्राउंड ने कईयों का जीवन खाता चालू कर रखा है। बेल लगी तो नहीं ना भैया। यहाँ पर अर्जुन भी खेल रहे हैं, अर्जुन 50, अर्जुन के भी 50 रन पूरे, अर्जुन भी 50 हो गए, इसकी भी ढीले की 50 हो गई। वाह यार, दोनों ने अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं, दोनों ही बल्लों ने। अब इनको चाहिए, गिरी एकेडमी को चाहिए 216/97 रन। क्या गिरी एकेडमी ये मैच जीत पाएगी, क्या अपने सपने को साकार कर पाएगी जो इन्हें अनंतपुरा के अगेंस्ट में। अरे भाई कैसे फर्रे फिर आ रहा है रे यार, यहाँ पे झाड़ू लगा के विकेट की सफाई करते हुए खिलाड़ी। आज शाम को झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी विकेट पे। वाह यार वाह, प्रदीप कौन जीत सकता है आज का मैच? सर MBCA। अबे ये तो एक तरफा मैच हो गया है, तो गिरी एकेडमी तो एक तरफा आ गई है मैच में। अच्छा MBCA, अरे शॉट यार, चौका, ये भी चौका भाई, क्या कर रहा है ये, बहुत ही मार रहा था। देखो बैठा है, घोड़ी कस दी यहाँ पे भयंकर, 88 रन चाहिए भाई। हमारा कालू उठ ही नहीं रहा, देखो इतनी बॉल निकल रही है उसके पास, कालू नहीं उठता। यहाँ पे बढ़िया दे रहे हैं भाई अभी तक अर्जुन और सचिन धाकर ने, कुत्ती पसा रखी है ये फिर जो। अरे वाह यार क्या फील्डिंग करी है तू यार, क्या धारावी के गेंदबाज। पीयूष क्या रहेगा आज का मैच का, कौन मैच जीत रहा है आज का, गिरी एकेडमी MBCA? गिरी एकेडमी। क्यों, कैसा, क्या हो गया? जीत ही गई अब तो, क्या है। अच्छा कुटाई हो गई है भयंकर, बहुत बुरी वाली। अरे बहुत बुरी तरह कुटाई हो गई है अभी MBCA की, ये इनकी मिस फील्डिंग की वजह से MBCA ने मैच इनके हाथ से चला गया। मिस फील्ड बहुत करी, कैच ड्रॉप कर दिया, और कैप्टनशिप में थोड़ी कमी लगी मुझे, फील्ड सेटअप के लिए बहुत कमी लगी। एक दो शॉट्स में पूरे रन बनवा दिए उन्होंने, 200-250 तो हुआ। ये देखो क्या होता है, कितने ओवर में मैच फिनिश होता है। ये भाई ले बहुत तेज मार रहा है, बहुत तेज मार रहा है अर्जुन और सचिन। लालच आ रहा है इनके, 100 का लालच आ रहा है दोनों के। हेलमेट लगा लो, हेलमेट हेलमेट लगा लो। मुंह बोले पापा नौशाद भाई तेरे, क्योंकि तू अयान का छोटा भाई है। वाह यार नौशाद भाई निखार आ गया टीम में। अरे हाँ यार नौशाद भाई यार, अरे ये मैच क्या है भाई, हो गया रन आउट हो गया, दे डंडे पे देश के। शतक हो चुका है यहाँ पर सचिन धाकड़ का, शतक, पहला शतक इस ग्राउंड ने भाई कईयों के रन बनवाना स्टार्ट किया है, क्योंकि विकेट ऐसा देते हैं यार हम लोग बनाए कि हर कोई, मतलब बैट्समैन के लिए इजी हो जाता है खेलना, और बॉलर के लिए थोड़ा टफ रहता है बॉल डालना। यहाँ पर 10-12 रन चाहिए मात्र, अब तो ऑफ में ही मार रहा है भाई, अब तो ऑफ में ही मार रहा है ये। तो
अभी से पेड़ कर रहे हैं, बैटिंग वेटिंग कुछ नहीं आई। हां कोई बात नहीं, फाइनल में कर लेना बस। फाइनल में बैटिंग है जो। कितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? मेरे से मैं खा सकता हूं, कोई मार नहीं सकता। एक दो रन। ओ भागो भागो ओए भागो ओए भागो ओए। अरे ओए भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ। जाओ 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 जाओ। बोल लियो बोल लियो बोल लियो। यहाँ पे भाई गिरी क्रिकेट अकेडमी जीत चुकी है सेमीफाइनल मैच एमबीए सीए के अगेंस्ट। यहाँ पर जिसको अपने विकेट की कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो खिलाड़ी जाता हुआ बगल में से। बोल कुणाल। जिनको कदर नहीं होती वो ऐसे ही हीरो बनाते हुए देखते हो दूसरों को। शाबाश सचिन, शाबाश। बेटे कितने सही फाइनल खेलोगे तुम यार, ये बताओ। फाइनल भी जाओ यार। ना मेरा मामला गिरगिरा कर दिया यार, मैं अनंतपुरा के अगेंस्ट देखना चाह रहा था तुम्हें यार। दू तो रहा और क्या। कौन आया मैन ऑफ द मैच? कुणाल मैन ऑफ द मैच कौन आया? देखना पड़ेगा भाई, शतक और वो है दोनों। अरे हटाओ दोनों को ही नहीं दे रहा मैं किसी को। कहाँ गया वो कहाँ गया वो? अरे नहीं दोनों को दे देंगे, दोनों को दे देंगे, दोनों को दे देंगे, दोनों को दे देंगे। मेरे हाथ में मैन ऑफ द मैच तो देना। क्रिक हीरोज वाला कौन है? मेरा ग्राउंड, मेरा टूर्नामेंट, मेरी मर्जी, मेरी ट्रॉफी, मेरा पैसा। तो भाइयों जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि गिरी एकेडमी फाइनल में पहुंच चुकी है, तो अब जो फाइनल मैच होने वाला है वो होने वाला है अनंतपुरा वर्सेस गिरी क्रिकेट एकेडमी के बीच में। देखते हैं दोनों में कौन जीतता है। जो फॉर्मेट रहेगा फाइनल का वो रहेगा 90 ओवर्स का। एमबी से भी काफ़ी अच्छा खेली, लेकिन हार्ड लक खाना कोई भाई, नेक्स्ट टाइम जरूर जीते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक अपना ध्यान रखो। और मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम। और वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, और कुछ पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट में बता दिया करो कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना यार, यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना। तो जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से।